सीएम योगी के ने कैप्टन अंशुमान सिंह को दी श्रद्धांजलि दी। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सियाचिन में शहीद हुए थे कैप्टन अंशुमान सिंह, जिनके प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। देवरिया के रहने वाले थे कैप्टन अंशुमान सिंह। प्रदेश सरकार परिजनों को सहायता भी देगी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट भी किया है। 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। और वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। शोक की इस घड़ी में सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं सीएम योगी ने कैप्टन अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि भी दी है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में पूर्व सांसद अतीक अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लोकसभा में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही जो कार्यवाही है लोकसभा की, वो फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में जो शोक पत्र है वो पढ़ा है। और वही अतीक अहमद पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सदन में प्रयागराज में अतीक की गोली मारकर की गई थी हत्या, जिस पर जो शोक है वो व्यक्त किया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कार्रवाई के शुरू होने से पहले ही कार्रवाई को स्थगन का सामना करना पड़ा है, जहां लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजभर की मुलाकात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एनडीए में शामिल होने पर डिप्टी सीएम ने उनको बधाई दी है। इस दौरान उन दोनों की मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करते हुए मुलाकात की ये तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी भी शेयर की है। तो सपा के गढ़ में रैली करेंगे ओम प्रकाश राजभर। बड़ी और अहम खबर है, सपा के गढ़ में ओम प्रकाश राजभर आज रैली करते हुए नजर आएंगे। आजमगढ़ में रैली का आयोजन होना है। इस दौरान इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया गया है। आजमगढ़ रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। 27 अक्टूबर को राजभर आजमगढ़ में यानी कि अखिलेश के गढ़ में रैली करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए पीएम मोदी को इन्विटेशन भी भेजा जा चुका है। और पीएम नरेंद्र मोदी इस जो कार्यक्रम है इसमें शामिल भी हो सकते हैं। तो सपा के घर में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, और इस रैली के लिए ओपी राजभर ने पीएम मोदी को न्योता भी भेजा है। खबर लखनऊ से है, जहां मोटी रकम वसूलने वाले कॉलेज भी फिसड्डी निकले हैं। तो मोटी रकम वसूलने वालों की जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा गिर गई है। जी हां, आपको बताते चले कि लखनऊ के सभी स्कूलों का ग्राफ जो है वो लुढ़कता जा रहा है। सभी स्कूलों का ग्राफ जो है लुढ़का है। ग्रेडिंग सूचकांक में कॉन्वेंट स्कूलों की भी स्थिति खराब होती हुई नजर आई है। तो इतनी जो फीस है वो दिए जाने के बावजूद भी जो स्कूल की ग्रेडिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों का जारी हुआ दक्षता सूचकांक, और सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है, जिसमें यूपी के चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उन सभी का ग्राफ काफी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय MHRD ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों की जो परफॉर्मेंस होती है उसका ग्रेडिंग इंडेक्स PGIT जारी किया है, जिसमें राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे स्कूल हैं जो मोटी रकम अभिभावकों से शिक्षा के लिए वसूलते हैं, और इनकी हालत जो है वो इतनी खराब है कि उत्तम से भी एक पैदा नीचे प्रतिष्ठावन की श्रेणी में आ गए हैं। अगर बात करें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली नोएडा के स्कूलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत तो बढ़िया रहा है, अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो नोएडा के अलावा मथुरा, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर
और जिलों को भी उत्तम श्रेणी मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाखों रुपए की सालाना फीस लेने वाले निजी स्कूल इस ग्रेडिंग में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए विवेक, जिस तरीके से बीते दिनों एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा कि जो लखनऊ है और जो यूपी है वहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये जो लुढ़का हुआ ग्राफ है इसकी वजह क्या है? फिर देखिए, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, मथुरा, नोएडा जैसे जिलों को उत्तम श्रेणी मिली है, यानी इन जिलों में जो निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इनकी ग्रेडिंग में इजाफा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो ग्रेडिंग सूचकांक 2020-21 और 21-22 में स्कूलों के संसाधन, सुविधाओं, सुरक्षा, लर्निंग स्किल, टीचिंग प्रोग्राम और कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर ये ग्रेडिंग तैयार की जाती है। और राजधानी लखनऊ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो काफी हद तक अच्छा खासा पैसा स्कूली शिक्षा के नाम पे लेते हैं, वो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिससे वो विफल पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेडिंग जो है राजधानी के स्कूलों के, निजी स्कूलों की ग्रेडिंग जो है लगातार नीचे गिरती गई है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट पर उठे गंभीर सवाल। पुलिस कमिश्नरेट पर गंभीर सवाल उठे हैं, खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है और इस खबर के सामने आने के बाद जो पुलिस कमिश्नरेट है उस पर गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने युवक को की थी जेल भेजने की तैयारी, इस दौरान युवक के साथ मारपीट भी पुलिस कर्मियों ने की थी। आईपीएस का दोस्त होने पर विनीत को पुलिस ने छोड़ा है और पुलिस कमिश्नरेट पर अब गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बिरवा चौराहे पर एक ओला कैब चालक द्वारा अपना ओला कैब बीच सड़क पर खड़ा करके और सो गया था, जिस पर यातायात बाधित हो गया था, जिस पे थाना मानक नगर के पालीगान के कर्मचारीगण हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा मौके पर जाकर उस ओला कैब के साथ डांट डपट कर उसको हटवाया जा रहा था। इसी बीच एक राहगीर विनीत सिंह उधर से गुजर रहे थे और उसने कर्मचारीगण के को टोका टाकी किया और उन्हें सही तरह से व्यवहार करने की हिदायत दिया, लेकिन इस पर पालीगंज के कर्मचारीगण आक्रोशित हो गए और उत्तेजित और आक्रोशित होकर के दुर्व्यवहार किया उसके साथ, जिससे कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई। इन दोनों ही कर्मचारियों को, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनुम मिश्रा को, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी एसीपी काकोरी को सुपुर्द की गई है।